देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे और इसी की वजह से उनका निधन हुआ। उनका बजाज स्कूटर 80 के दशक में घर घर की पहचान बन चुका था और टीवी और रेडियो में बजने वाला विज्ञापन हमारा बजाज उनके ब्रांड की पहचान बना, जो आज तक जारी है। तो आइए जानते हैं देश के इस उद्योगपति के सफल जीवन के बारे में, जिसने भारत की ऑटो इंडस्ट्री को दुनिया भर में पहचान दी। आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले राहुल बजाज का जन्म हुआ था। तब के दौर में बजाज का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 10 जून को 1938 में हुआ था। राहुल की पढ़ाई सबसे पहले कैथरीन एंड जॉन कॉलन स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली से उनका वास्ता पड़ा। यहां से उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। दिल्ली से ऑनर्स की पढ़ाई होते ही वह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर की तरफ रुख कर लिए। बंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की पढ़ाई कर वहां से डिग्री ले ली। इसके बाद उन्होंने हायर पढ़ाई के लिए विदेश की तरफ रुख किया। अमेरिका के बोस्टन में दुनिया के नामी कॉलेज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अपने दादा के द्वारा खोले गए बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया। और आइए अब जानते हैं बजाज की दिलचस्प कहानी के बारे में। आपको बता दें कि बजाज ऑटो की स्थापना सन 1960 में हुई थी, जिससे पहले यह कंपनी बजराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हुआ करती थी। हमारा बजाज की कहानी सन 1926 से शुरू होती है, जब जमनलाल बजाज ने कारोबार के लिए बजराज एंड कंपनी नाम की फर्म बनाई थी। उनकी मौत के बाद उनके दामाद रामेश्वर निवटिया और दो बेटों कमल नयन और रामकृष्ण बजाज ने बजराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की। आजादी के बाद सन 1948 में विदेशों से पार्ट्स मंगाकर उन्होंने दो पहिया और तीन पहिया गाड़ियां बनाई। आपको ये भी बताते चलें कि राहुल बजाज ने सन 1965 से लेकर 2005 तक, यानी 40 साल तक, बजाज ऑटो के चेयरमैन का पद संभाला और कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके बाद 2005 में उनके बेटे राजीव बजाज ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 2006 में वह राज्यसभा में सांसद के तौर पर चुने गए और 2010 तक देश की सेवा राजनीति में रहते हुए की। राजनीति की दुनिया में रहते हुए भी वह हर बात पर अपनी बेबाकी से राय देते थे। 2005 के बाद भी वह नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में रहे और 2021 में उन्होंने यह पद छोड़ा। और आइए जानते हैं कितनी है राहुल बजाज की नेटवर्थ। आपको बता दें कि फोर्ब्स ने 2016 में दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में उन्हें शामिल किया था। उस वक्त उन्हें लिस्ट में 782वीं रैंक मिली थी और उनकी नेटवर्थ 2.4 अरब डॉलर थी। अगर फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट के हिसाब से देखें तो 12 फरवरी 2022 को राहुल बजाज की नेटवर्थ 8.2 अरब डॉलर यानी करीब 62,000 करोड़ रुपए है। राहुल बजाज को दो पहिया वाहन की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि साल 2001 में राहुल बजाज को उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनको नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के खिताब से भी नवाजा गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजाज को साल 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CII राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया था। और आइए अब जानते हैं कौन कौन है राहुल बजाज के परिवार में। आपको बता दें कि राहुल बजाज के दो बेटे राजीव बजाज और संजीव बजाज हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट में हैं। वहीं उनकी बेटी सुनैना बजाज की शादी मनीष केजरीवाल से हुई है, जो टी मासिक इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं। और आइए अब जानते हैं किन क्षेत्रों में काम करती है उनकी कंपनी। आपको बता दें कि राहुल के बजाज समूह को देश विदेश में निर्मित उत्पादों और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने के लिए जाना जाता है। बजाज समूह का बिजनेस दो पहिया वाहन, घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रिक लैंप, पवन ऊर्जा, विशेष मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील फोर्जिंग, बुनियादी ढांचे के विकास, सामग्री हैंडलिंग उपकरणों, यात्रा, जनरल और जीवन बीमा और निवेश में वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यह बिजनेस फैला हुआ है। तो आपको इनके पूरे जीवन सफर के बारे में जान करके कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया और भावभीनी श्रद्धांजलि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।